आई yes, नो yes, हम इस चैनल पर एस के बारे में बातें करते हैं लेकिन वीडियो एडिटिंग मेरी प्रोफेशनल लाइफ का बड़ा हिस्सा रहा है इनफैक्ट डिजिटल वर्ल्ड में मेरी प्रोफेशनल लाइफ एज वीडियो कंपोजिटर और स्पेशल इफेक्ट आर्टिस्ट के तौर पर शुरू हुई थी सो वीडियो प्रोडक्शन वीडियो एडिटिंग लाइफ का एक बड़ा पार्ट रहा है इसीलिए आज जब दुनिया के सबसे बड़े वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube ने अपना खुद का वीडियो एडिटर YouTube क्रिएट लॉन्च किया है तो हम ना सिर्फ इसे यूज करने का तरीका देखेंगे आपको एक ट्यूटोरियल देंगे बल्कि क्या क्या चीजें खास हैं क्या यूजफुल है क्या नहीं है ये भी जानेंगे। फरम डॉट नेट आज के वीडियो में हम YouTube के नए नवेले एडिटिंग ऐप YouTube को यूज करने का तरीका देखेंगे YouTube क्रिएटर्स का एक बड़ा पार्ट सिर्फ मोबाइल फोन से ही वीडियो प्रोडक्शन करता है और मार्केट में काफी सारे ऐसे वीडियो एडिटर्स हैं जो इन मोबाइल फोन क्रिएटर्स को टारगेट करते हैं लाइक पावर एडिटर वगैरह वगैरह यूट्यूब का टारगेट इन यूजर्स को नेटिव सपोर्ट देना है जिससे यूजर्स वीडियो शूट करने के बाद सीमलेसली ना सिर्फ वीडियो को एडिट कर पाए बल्कि यूट्यूब पर अपलोड भी कर सके यस yes, ये कोई खास हैरानी की बात नहीं है कि ये वीडियो एडिटिंग ऐप डायरेक्टली यूट्यूब पर

तो हम आते हैं प्ले स्टोर में और यहां पर हम सर्च करेंगे यूट्यूब क्रिएट आइकन ही है टैप करते हैं और क्लिक करेंगे इंस्टॉल बटन पर एंड लेट्स वेट फॉर दिस इंस्टॉल ओके क्लिक करते हैं ओपन बटन पर और ये ओपन हो रहा है बड़ा हिप्स एनिमेशन है नई जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए ओके नाउ यहा पर साइन इन बटन आ रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे और जिस भी अकाउंट से आप यूट्यूब क्रिएट को यूज करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं वैसे अगर आप इस ऐप को यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप यूट्यूब पर भी पब्लिश करना चाहेंगे तो so, मेरा सजेशन है कि आप उसी अकाउंट से इस ऐप में लॉग करें जिससे आप यूट्यूब पर वीडियोज पोस्ट करते हैं जो आपका मेन चैनल अकाउंट है जिससे आप इजिली वीडियोज को एडिट करने के बाद पोस्ट भी कर सकें पब्लिश भी कर सकें तो यहाँ पर हम साइन बटन पर क्लिक करेंगे अकाउंट सेलेक्ट करेंगे इसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा प्लस बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करें और इसके बाद अपने फोन की गैलरी में से जो भी वीडियो सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं वन टू थ्री फोर फाइव कुछ वीडियो फुटेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ so, फुटेज को सिलेक्ट कर लिया है और अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा ऐप वीडियो फुटेज जो है जितनी भी उनको कन्वर्ट करने में ताकि इस ऐप में अच्छी तरीके से उनको इजिली यूज किया जा सके हो सकता है आपका फोन एमओवी फॉर्मेट में वीडियोज को शूट कर रहा हो या किसी भी और फॉर्मेट में यूज कर रहा हो हाई होट में तो उसको पहले ये ऐप कन्वर्ट करेगा ताकि इजिली एडिट कर सके सो so, कन्वर्ट करने के बाद हम आ जाते हैं इस स्क्रीन पर पर आपको, आपको आपकी वीडियो फुटेज एक के बाद एक अरेंज की हुई दिखाई दे रही है तो so, आप इनकी लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा किसी भी फुटेज को सेलेक्ट करके और उसके बाद ड्रैग एंड स्क्रॉल करके यहाँ पर मैं इस वीडियो फुटेज को थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ एंड इसी तरह से एक के बाद एक इन सारी फुटेज को हम

अपने वीडियो को ज्यादा अच्छा बनाएंगे ज्यादा स्पेशल इफेक्ट डालेंगे इसमें ना अपने वीडियो में हम म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर म्यूजिक टैप पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं म्यूजिक साउंड इफेक्ट्स और योर ओन म्यूजिक सो म्यूजिक ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप किसी भी ऐसे म्यूजिक को ऐड कर सकते हैं अपने वीडियो में जो YouTube हमें रॉयल्टी फ्री तरीके से प्रोवाइड कर रहा है और ये ये जितना भी म्यूजिक म्यूजिक आपको मिल रहा है के के है के के जरिए सारे रॉयल्टी फ्री और आप इन्हें मोनिटाइज भी कर सकते हैं सो so, आपके लिए लाइसेंस फ्री म्यूजिक यूट्यूब अपने आप प्रोवाइड कर रहा है इसके अलावा आप साउंड इफेक्ट को यूज कर सकते हैं या अगर आपने अपना कोई खुद का म्यूजिक बनाया है या फिर आपके पास कोई म्यूजिक ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसे आप योर म्यूजिक टैब पर जाकर खुद से अपनी डिवाइस से अपलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं तो so, अभी फिलहाल इस डेमो के लिए मैं यहां पर अपनी पर डिवाइस मौजूद जो म्यूजिक है उनमें से एक म्यूजिक को सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने वीडियो में ऐड कर लूंगा तो so, यहाँ पर अब आपको दिखाई दे रहा है म्यूजिक एक अलग लेयर में अलग से दिखाई दे रहा हूँ इस तरह से आप प्ले भी कर सकते हैं इसे ट्राई कर सकते हैं देख सकते हैं ना अभी फिलहाल मैं म्यूजिक की बीट के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करके देखता हूँ इस म्यूजिक को ना यहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शन को यूज करके आप अपने वीडियो के ऊपर टेक्स को ऐड कर सकते हैं और आप ना सिर्फ प्लेन टेस्ट को ऐड कर सकते हैं बल्कि आप टेस्ट इफेक्ट को भी ऐड कर सकते हैं सबसे पहले हम टेक्स टैप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं प्लेन टेक्स टेस्ट इफेक्ट हम प्लेन टेक्स पर क्लिक करेंगे और प्लेन टेक्स पर क्लिक करने के बाद आप अपना मनचाह टेक्सट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टेक्सट लेयर की तरह आपको दिखाई दे रहा है इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आपको टेक्स्ट को एडिट करने को उसकी प्रॉपर्टी उसके लुक को चेंज करने का ऑप्शन मिलता है फॉर एग्जाम्पल आप टेक्स्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं उसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं और कलर को चेंज कर सकते हैं उसके अलावा आप टेक्स्ट में बैकग्राउंड को एड कर सकते हैं इस तरह से और टेक्स्ट को रोटेट भी कर सकते हैं ना हम टेस्ट इफेक्ट्स को एक बार ट्राई करके देखते हैं यहां पर टेक्स इफेक्ट्स पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत अलग अलग टाइप का अलग अलग स्टाइल का टेक्स दिखाई दे रहा है टेक्स इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट को इस तरह से टाइप करके एंटर कर सकते हैं और आपका टेक्स कुछ उसी लुक में आपको अपने वीडियो के ऊपर दिखाई देने लगेगा इस टेक्सट लेयर को कहाँ से कहां तक दिखाना है ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस लेयर का जो लेंथ है इसको डिसाइड कर सकते हैं क्रॉल करके और अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इसके बाद आपको स्टिकर्स को ऐड करने का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है आप स्टिकर टैप पर क्लिक करके स्टिकर्स या फिर GIF, GIF, जो भी आप बोलते हो या फिर एनिमेटेड इमोजीज को भी आप ऐड कर सकते हैं इनमें से किसी भी ऑप्शन को आप यूज करके अपने वीडियो को 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 कस्टमाइज कर सकते हैं जिस जिस भी को आप करेंगे, जिस भी ऑप्शन आप आप सेलेक्ट सेलेक्ट करेंगे करेंगे स्टिकर वो एक और लेयर के तौर पर आपके इस वीडियो के ऊपर इस तरह से दिखाई देने लगेगा इसके बाद हमें यहां पर इस ऐप में वॉइस ओवर का ऑप्शन मिलता है आप अपने वीडियो में अपनी आवाज दे सकते हैं आपको वॉइस ओवर टैप पर क्लिक करना है और इसके बाद आपका फोन आपसे पहली बार माइक्रोफोन को यूज करने की परमिशन मांगेगा आप इस पर क्लिक करेंगे वाइल यूजिंग दिस ऐप एंड देन इसके बाद आप अपने वीडियो को प्ले करके उसमें अपने हिसाब से वॉइस ओवर दे सकते हैं और आप इस पर टैप करेंगे तो आपकी आवाज जो है अपने आप रिकॉर्ड होने लगेगी यहां पर आप एक बात और ध्यान दें कि आपको यूट्यूब आपकी आवाज को थोड़ा सा क्लीन करने का ऑप्शन देता है जिससे आपकी जो आवाज है जो आपका वॉइस ओवर है वो ज्यादा प्रोफेशनल साउंड करे नॉइस वगैरह के फीचर आपको यहीं पर इस ऐप में इनबिल्ट मिल जाता है इसके अलावा अगर आप हिंदी बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं या फिर स्पैनिश बोलते हैं वैसे स्पैनिश बोलने वाले इस वीडियो को क्यों देखेंगे क्वेश्चन हो सकता है बट स्टिल ये ऐप आपको हिंदी इंग्लिश और स्पैनिश तीन लैंग्वेजेस में ऑटोमेटिक कैप्शन का ऑप्शन देता है यानी कि आप अपने हिंदी इंग्लिश अपनी स्पेनिश वीडियो को अपलोड करेंगे यहां पर बनाएंगे और ये ऐप अपने आप ही कैप्शन ऑटोमेटिकली आपके वीडियो में ऐड कर सकता है इस कैप्शन ऑप्शन को यूज करके आपको सिर्फ लैंग्वेज करनी है, जनरेट बटन पर क्लिक करना है और कैप्शन अपने आप बन जाएगा इसके अलावा अगर आप अपने वीडियोस को एक स्पेशल इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के ऊपर एक फुटेज को ओवरले कर सकते हैं और अलग अलग स्टाइल से दोनों फुटेज को ब्लेंड कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक फुटेज लेता हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं फुटेज को साइज को थोड़ा सा कम रख रहा हूँ जिससे आपको ओवरले का मीनिंग समझ में आ जाए सो तो यहाँ पर हम इस फुटेज को ऊपर अपलोड करेंगे एक दूसरी इमेज के ऊपर या दूसरी वीडियो के ऊपर एंड देन इसके बाद इस ऊपर वाली वीडियो क्लिप में अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स को ऐड करेंगे जिससे दोनों वीडियो क्लिप्स या एक इमेज या एक वीडियो एक दूसरे के साथ मर्ज होकर आपके वीडियो को थोड़ा स्पेशल इफेक्ट दे देती है तो इस तरह का क्रिएटिव ऑप्शन आपको यूट्यूब क्रिएट ऐप ऑलरेडी प्रोवाइड करता है ना एक बार जब आप अपने वीडियो से कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाए आपको मजा आ जाता है अपने वीडियो से और आपका वीडियो दुनिया को फेस करने के लिए दुनिया के सामने छा जाने के लिए एकदम रेडी हो चुका है तो आप ऑप्शन यूज करेंगे वीडियो को एक्सपोर्ट करने का तो so, यहाँ पर आप ऊपर इन तीन डॉट्स पर क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट ऑप्शन पर बट यहां पर आप नीचे देख रहे हैं एस्पेक्ट रेशियो नाम का एक दूसरा ऑप्शन भी है सो so, इस एस्पेक्ट रेशियो ऑप्शन पर एक बार हम क्लिक करते हैं यहां पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं सिक्सटीन बाई नाइन नाइन बाई सिक्सटीन या फिर वन बाई वन सिक्सटीन बाई नाइन को सेलेक्ट करने पर आपका वीडियो स्टैंडर्ड नॉर्मल जो लंबी लेंथ लेडियोज होते हैं ट्रेडिशनल वीडियो होते हैं उन स्टाइल में आपको लैंडस्केप फॉर्मेट में अपना वीडियो दिखाई देगा अगर आप नाइन बाई सिक्सटीन सेलेक्ट करते हैं तो फिर शॉर्ट्स या फिर रील वाले फॉर्मेट में आपको वीडियो अपना दिखाई देगा और वन बाई वन यानी कि स्क्वायर शेप में आपका वीडियो रहेगा जिस भी स्टाइल में आप अपने वीडियो को फाइनली एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और सेव बटन पर क्लिक करेंगे एंड देन इसके बाद वापस हम आते हैं एक्सपोर्ट ऑप्शन पर एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको YouTube दो ऑप्शन देता है अगर आप अपने वीडियो को फुल एचडी क्वालिटी में सेव करना चाहते हैं तो आप 1080 ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और अगर आप अपने वीडियो को कम साइज में अपलोड करना चाहते हैं कम साइज में सेव करना चाहते हैं तो आप 720 ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और आपका वीडियो उसी साइज में उसी स्टाइल में अपने आप सेव हो जाएगा ना जब ये एक्सपोर्टिंग का प्रोसेस चल रहा है तो आपको इस ऐप को ओपन रखना है और मेक श्योर की आपकी स्क्रीन जो है वो बंद ना हो जाए यानी कि आपका फोन स्लीप मोड में ना जाए स्क्रीन चालू रहनी चाहिए और ये ऐप चालू रहना चाहिए तभी ये वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा ये एक्सपोर्टिंग का टाइम आपके डिवाइस की स्पीड और आपके वीडियो की लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा बट थोड़ी देर वेट करिए आपका वीडियो एक तरह से पक रहा है एक बार ये वीडियो एक्सपोर्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको यहीं पर एक क्लिक करके अपने वीडियो को एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है इस अपलोड बटन पर आप क्लिक करें और आपका वीडियो ऑटोमेटिकली यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा सो so ये था यूट्यूब का अपना एडिटिंग ऐप अपनाट आप इसे यूज करें और बताएं हमें फीडबैक दें कि आखिर कैसा लग रहा है आपको ये ऐप आप एंड अगर आपने ऑलरेडी इस ऐप को यूज करके कोई शॉर्ट बना रखी है तो प्लीज हमेशा शेयर करिए हम अपनी यूट्यूब शॉर्ट वाली लिस्ट में शेयर करेंगे आपको थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो माइनेट नेट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम टेक केयर